में शंख, घंटी और थाली लेकर प्रदर्शन करते ये लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, जो पिछले कई दिनों से हरदोई के बेनीगंज कस्बा स्थित जही कुइयां गांव में सांगवान पोल्ट्री फार्म बंद कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनकी मांगे पूरी न हो पाने के कारण आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली, घंटी और शंख लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुँचे और इस संदर्भ में जिलाधिकारी को संबोधित नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल सांगवान पोल्ट्री फार्म की वजह से आसपास के कई गांवों के लोगों का जीना दूभर है। करोड़ों की संख्या में मक्खियों के कारण यहां के लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि डही कुइयां स्थित मानक विहीन बने सांगवान पोल्ट्री फार्म के कारण बढ़ते मक्खियों के प्रकोप से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। पोल्ट्री फार्म बंद कराया जाए, मक्खियों से प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य कैंप लगाया जाए। जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जांच समिति बनाई जाए। सांगवान पोल्ट्री फार्म प्रबंधक तंत्र मानकों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। वहीं जिन ग्राम सभाओं ने सांगवान पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया उन पर भी कार्रवाई हो। और इन्हीं सब बातों को लेकर ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं, किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। सोए हुए प्रशासन को नींद से जगाने को लेकर आज शहर में थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया गया। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा। वह इस मामले को लेकर नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी ने बताया है कि मामला संज्ञान में है, पोल्ट्री फार्म से लोगों को परेशानी हो रही है, उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्दी समाधान निकाला जाएगा। तत्काल तो फिलहाल रोक ही देना चाहिए इनको, कह दो अभी बंद कर दें, कम से कम मक्खियों का प्रकोप कम हो और एक जनता दरबार, एक सहयोग जादवनी जिलाधिकारी महोदय हम लोग साथ कर लें, एक जासूस बना दें जिसमें सारे राजनीतिक दल। मकसद है कि सोते हुए प्रशासन को जगाना है। वह प्रशासन जिसे 50,000 आबादी की तकलीफ नहीं दिख रही, आप देख रहे हो सांगवान पोल्ट्री फार्म जो डही कुइयां गाँव में स्थित है, उस पोल्ट्री फार्म की गंदगी, मल और मरी हुई मुर्गियों, सड़े हुए अंडों के मलबे की वजह से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव की आबादी मक्खियों के प्रकोप से त्रस्त है। लगातार आज हमारा 5वें दिन प्रदर्शन है। किसान संगठन भी कहीं टंकी पर चढ़ रहे हैं, कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार पोल्ट्री फार्म जो है उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनको बचा रही है और किसानों की, जनता की आवाज़ को दबा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में यह बहुत दुखद है कि उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस पर कान में तेल डाले बैठे हैं और प्रशासन के कान पर भी जू नहीं रेंग रही है। आज हम सभी कांग्रेसजनों ने घंटे, घड़ियाल, शंख के साथ वैदिक सत्याग्रह किया है और वैदिक तरीके से जाना है कि सरकार जागे और इस मुद्दे को गंभीरता से ले, उस पोल्ट्री फार्म को बंद होना चाहिए। आज अगर 50 गांव में मक्खियां हैं, कल 100 में होंगी, परसों 200 में होंगी, हम सब भी उससे प्रभावित होंगे। जो टाइफाइड है, हैजा है, तमाम तरीके की बीमारियां भी फैलेंगी। तो हम सरकार को जगाने आए हैं और निरंतर सरकार को जगाते रहेंगे। आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक पोल्ट्री फार्म बंद हो जाए तो लोगों को राहत मिल जाए? पोल्ट्री फार्म बंद करने के बजाय लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे साथी, जुझारू साथी, इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम सांसदों के आवाज़ का घेराव करेंगे, विधायकों के आवाज़ का घेराव करेंगे, मंत्रियों के आवाज़ का घेराव करेंगे, कलेक्टर और कप्तान के भी आवाज़ का घेराव करेंगे, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। जब तक उस जनता को न्याय नहीं मिल जाएगा, कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन निरंतर जारी रखेगी। कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जनपद हरदोई में आज एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था, जिन्होंने एक गांव में जहां मुर्गी पालन के फार्म हाउस को लेकर के विवाद है, वहां काफ़ी दिन से मक्खियां इत्यादि आ रही हैं जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों इसमें कुछ कृषक बंधुओं ने भी पानी टंकी चढ़ के प्रदर्शन किया था, तो प्रशासन के संज्ञान में है, इसमें कुछ स्तरीय समिति गठित करके जाँच करते हुए त्वरित समाधान कराया जाएगा।